मलंग शब्द का अर्थ क्या है? मलंग वो होता है जिसे हम जुनूनी भी कह सकते हैं, अपने बिंदास भी कह सकते हैं, जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है उसे कह सकते हैं। तो इस शब्द को साथ लाने वाले ये तीन लोग मेरे साथ हैं, अंकुर, मोहित, भूषण जी। नमस्ते एंड बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले, क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है। एक्चुअली चार लोग हैं, लव इज नॉट हियर इन द इंटरव्यू, बट हाँ चार लोग हैं, मोहित, लव, भूषण जी और मैं। सो थैंक यू सो मच। I would say चार लोग नहीं, I think 200 लोग हैं, I think हमारी पूरी यूनिट साथ में आ रही है। No, but also love for making this happen. टीम वर्क होता है कोई भी प्रोजेक्ट, और इस तरह से जब आप कह रहे हैं 200 लोग हैं तो सबको मुबारकबाद हमारी तरफ से। जी बहुत खुशी है, फिल्म की तारीफ हो रही है। जैसे कि आपने बताया, आपने भी फिल्म देखी, आपको भी पिक्चर पसंद आई। इस दुनिया की फिल्म लोग काफ़ी टाइम से आई नहीं है, तो लोग मिस कर रहे हैं इस टाइप का सिनेमा, जिसमें म्यूज़िक भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, ग्लैमर भी है, सब कुछ है, और एक लाइफ का टेक भी है। मतलब जैसे जो आज की यंगस्टर्स लाइफ फ्रीली जीना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग बनी है, म्यूज़िकल बनी है। एज प्रोड्यूसर हम तो सेटिस्फाई हैं ही, और प्लस अब जो मीडिया के कुछ दोस्तों को हमने जो दिखाई है, उनका भी एक सर्टिफिकेशन मिल गया है कि पिक्चर बहुत अच्छी है, तो बहुत खुशी होती है। एक थोड़ा सा जो नर्वसनेस होती है उससे थोड़ा सा उन चीज़ों से रिलैक्सेशन होना पड़ता है। मतलब कहा इस तरह की, आपने कहा इस तरह की फिल्म आई नहीं है, तो मोहित आए हैं तो इस तरह की फिल्म आ जाती है। अभी बोला कि इस टाइप की फिल्म बनाने का मतलब बहुत लोग ये पिक्चर नहीं बना पाते हैं, तो मोहित है, यही इस टाइप की फिल्म बनाने में एकदम माहिर है। आशिकी 2 के बाद आप दोनों फिर साथ साथ, तो मतलब कहीं ना कहीं जहन में होता है कि आप कहते हैं कि आपका कंपटीशन सबसे ज्यादा अपने आप से ही होता है, तो ऐसा जहन में बात होती है या कुछ और? बहुत सारी चीजें जहन में आती है, सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब होता है। मेरा मानना ये है कि एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने में एटलीस्ट एक सेंसिबिलिटी मैच होती है। मैंने, और अगर आप कहो कि हम लोग सिर्फ आशिकी 2 के बाद में काम करें, इट्स नॉट ट्रू। जैसे क्योंकि म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरी फिल्मों में टू इवन वर्क। मैंने एक विलन इनके साथ किया है, अभी एक विलन होने वाली पार्ट 2 उनके साथ भी है। प्लस मैं अक्सर, मेरा और भूषण जी का रिलेशनशिप सिर्फ फिल्मों के रिस्पेक्टिव नहीं है, मैं उनको दूसरे गाने भी सुनाता हूँ जो मैं इनके कंपनी में नहीं आ रहे, और पूछता हूँ, मेरे को लगता है ये गाना पहले प्रमोट करना चाहिए ये, तो और 100% वी हैव ऑलवेज अग्रीड ऑन द सेम थिंग। सो आई थिंक दैट एसोसिएशन हैज़ नॉट एंडेड। यस, फिल्म इज जस्ट अ रीजन टू वर्क, टू बी मोर एसोसिएटेड, बट वॉट इज बॉट इन मोर कलर एंड मोर एनीथिंग एल्स हैज़ बीन बोथ द टीम ऑफ अंकुर एंड लव, जिन्होंने, उनकी भी सिमिलैरिटीज ये है कि उन्होंने भी न्यू कमर्स के साथ एक कंपनी खड़ी की है आज, तो फ्रॉम वेयर दे हैव कम। एंड मैंने भी कहीं ना अपना करियर कोई बड़े स्टार्स के साथ कम करके नहीं, बेसिकली ऑन द कॉन्टेंट एंड द न्यू कमर्स आई वर्क विद। सो आई थिंक इट्स अ गुड मिक्स ऑफ फेमिलैरिटी विद न्यूनेस के हम लोग ने एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है मलंग। महेश भट्ट की फिल्मों का आज का जनरेशन या आज का टेक मुझे लगता है आपकी फिल्में वो झलक दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं आपने ऑब्वियसली आपने सीखा है वहाँ से। देखिए, ये ऐसा कहना है कि इनका सेंस म्यूजिक में इनके फादर से आता है, अभी वो जेनेटिक्स सबका कुछ कर नहीं सकते, वो अभी आप यू आर बॉर्न विद इट, विद द प्लसेस एंड द माइनसेस, सो यू कांट हेल्प दैट। बट या वो एक कोर एजुकेशन जैसे कहते हैं, आपका जो घर होता है कि म्यूजिक पे काम करो, स्टोरी पे काम करो, वर्क ऑन द बेसिक्स दैट मेक अ फिल्म डू वेल, एंड बट एट द सेम टाइम अपने आप को इतना सीरियस मत बनाओ फिल्म में कि वो पिक्चर सिर्फ एक नीश ऑडियंस के लिए केटर हो। फिल्म तो एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है। साथ में लव रंजन की फिल्मों की अगर बात करें तो क्या विजन है आपका? नहीं, लव तो खुद लाइट हार्टेड कॉमेडी बनाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि लव की विजन सिर्फ लाइट हार्टेड कॉमेडीज में ज़्यादा वो है। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी इमोशनल पर्सन। या ही इज़ एक्चुअली अ वेरी इमोशनल पर्सन। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लोगों ने आकाशवाणी नहीं देखी, बट इट वॉज नॉट रियली अ लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म। इट वॉज अ वेरी सीरियस फिल्म विद अ वेरी सीरियस इशू। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। बट अदरवाइज लव का एज अ स्टोरी टेलर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। ही अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनरा, ही अंडरस्टैंड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस। सो एज अ कंपनी ऑल्सो वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन लाइट हार्टेड कॉमेडीज, बट वी आर फोकसिंग ऑन वेरी डिफरेंट जॉनरा, मलंग बींग वन ऑफ देम।
इसके बाद हमारी एक फिल्म और आ रही है छलांग, जिसका भी हमने रिसेंटली पोस्टर लॉन्च किया था, वो भी एक बहुत डिफरेंट जॉनर की फिल्म है. सो या सो यू नो लव रियली इज द क्रिएटिव विजन. इस फिल्म में जैसा कि आपने कहा कि आज के जनरेशन का टेक हमने दिखाया है कि वो लोग बिंदास जिंदगी जीना चाहते हैं, साथ में एक चीज जो मुझे और समझ में आ रही है कि क्राइम के लिए वजहें बहुत बड़ी नहीं, ज़रूरत नहीं है कि कोई वजह बड़ी हो, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी क्राइम होता है. और इस फिल्म में भी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वजहें जो है वो बहुत अलग अलग होता है. तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं मोहित, आप किस तरीके से वीविन करते हैं, या आपको लगता है कि दीज आर द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू टेल एज अ स्टोरी? यू नो मैम, मेरा इंस्टिंक्ट ये था, ये आइडिया इस फिल्म का जो जर्म आप जो कह रहे हैं वो था कि मैं गोवा गया था, मेरे कज़न की शादी थी, तो हम लड़के लोग गए थे एज अ पार्टी जस्ट बिफोर मैरिज. एंड वहाँ पर मैंने एक यंग कपल को देखा, एक लड़का शर्ट के बगैर बाइक पे था और इसके पीछे लड़की थी. इन द मिडल ऑफ द नाइट दे वर गोइंग टू पार्टी समवेयर. और हम लोगों ने भी ऐसी जिंदगी जी है ड्यूरिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स. तो मेरे कज़न ने मुझे पूछा कि क्या तुम अपनी बेटी को जो 4 साल की थी वो टाइम में, तुम अलाउ करोगे ऐसे गोवा हुआ जाने के लिए? तो मेरा इंस्टिंक्टिव थॉट ये था कि इट्स नॉट द बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट आई एम वरीड अबाउट इन टुडेज़ डे, यू कांट वरी अबाउट दोज थिंग्स, बट हाउ डिड वी गेट पास दैट एज कि कुछ भी करके हम लोग गिर सकते थे बाइक से, कुछ प्रॉब्लम में आ सकते थे. एंड हाउ एट दैट एज वी फेल्ट के जिंदगी इज बस लिविंग लाइफ फ्रॉम वन हाई टू अनदर, कि जैसे कुछ बुरा होएगा ही नहीं, फ्यूचर तो बहुत आगे, बहुत टाइम है अपने पास. देन व्हेन यू हैव अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट्स इन, या प्रायोरिटीज चेंज. सो आई जस्ट फेल दैट टू कनेक्ट टू टुडेज़ यूथ, आई थिंक दे हैव द जिंग एंड द ज़ील, और आज यू नो दे हैव, और आज उनको बहलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है. हम लोग एक खिलौने में बचपन में पूरा 2-3 महीने लग जाते थे, अभी मेरे बच्चे ने हर रोज एक नया खिलौना, फिर भी उनका दिल भर, दे गेट यूज टू इट. सो दे इवन बिकॉज दे गॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ हाईज इन लाइफ. बट आई थिंक वॉट इन दी एंड, आप कुछ भी कर लो, जितने भी आपके एंटरटेनमेंट हो, इन दी एंड वी ऑल वॉन्ट टू गो बैक होम टू आर फैमिली, वी ऑल वॉन्ट टू फाइंड आर वाइफ आर चिल्ड्रेन आर होम. या सो आई थिंक दैट्स द थीम आई वॉन्ट टू कीप. आपका भी बेटा है, हालांकि बहुत छोटा है अभी, लेकिन बहुत सारी चीज जो हम लोग अपने टाइम में नहीं करते थे उनको अभी से पता है. सो हाउ डू यू डील विद इट बुज? सी दैट इज ऑब्वियसली आज टेक्नोलॉजी है, उस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. कई चीजें होती हैं जो मुझे नहीं मालूम होती, वो उसको मालूम होती हैं, बिकॉज दे आर टोटली इनटू दिस थिंग. सो इट इज गुड ऑल्सो मीन, बट एट द सेम टाइम आपको कंट्रोल भी रखना पड़ता है कई चीजों को लेके, कि कुछ उसके इन्फ्लुएंस से कई चीजें गलत भी इंसान सीख लेता है. That obviously, as parents, you have to take care of that. But yes, they have become very intelligent and everything is there. एक चीज अंकुर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको पर्सनली इस फिल्म में कौन सी एक बात जो बहुत अच्छी लगी? Obviously, जब आप फिल्म बनाते हैं आपको इन टोटल यू लाइक इट, बट वन थिंग यू एक्चुअली टेक बैक. सो मेरी एक आदत है कि मैं फिल्म बनाते हुए फिल्म बीच बीच में कुछ रशेज नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं फाइनल जब प्रोडक्ट देखूं तो एज एन ऑडियंस देखूं, बिना ये पता चले कि क्या क्या होने वाला है. सो जो एक चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क करी वो थी फिल्म ने जिस तरीके से ग्रिप करके रखा, मोहित ने जिस तरीके का एक न्यू एज ट्रीटमेंट दिया है पिक्चर को, जिस तरीके से पिक्चर चलती है, और मतलब मैं अभी रिवील कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से चलते हैं वो आपको ग्रिप करके रखते हैं. यू आर ऑलवेज ऑन द एज ऑफ योर सीट वेटिंग कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. So I think that is really something that worked very well for me. दिशा आदित्य के अलावा अगर देखें तो अनिल कपूर, मतलब मुझे लगता है वो हमेशा हैरान करते हैं, चौंकाते हैं लोगों को. बहुत ही अलग लगा मुझे उनका जो अप्रोच था टुवर्ड्स हिज वर्क, टुवर्ड्स लाइफ. व्हाट यू हैव टू से? वेल आई थिंक अनिल कपूर साहब ने जब आई मीन लव और मैं गए थे टू अप्रोच हिम फॉर द रोल, ही वाज एक्चुअली हैप्पी कि कोई हीरो का बाप या कोई ऐसा रोल नहीं दे रहे उसको. एंड उन्होंने ऐसे काम किया है, जैसे तेजाब में किया था, बादशाह कोई फिल्म पुराने आवारगी में किया था, वे इज प्लेइंग एन एजी दिस थिंग का एट टाइम. तो अक्सर उन लोगों के ऐसे रोल अभी आजकल आ नहीं रहे, ही फेल्ट दैट एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. पर अनिल सर का एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, वो आज भी बेस्ट न्यू कमर अवार्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं. उनको सपोर्टिंग एक्टर या बेस्ट विलन का अवार्ड नहीं चाहिए, उनको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड करना है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम, ही प्लेज लाइक सो मच ऑफ फन टू वर्क विद एंड वो ही सब एनर्जी आई मीन यू कैन सी इन द फिल्म. आई मीन मलंग अगर कोर्स एवरी आपने फिल्म देखा होगा, एक पेस है, एक एनर्जी है. हु एल्स वुड आई आस्क फॉर मोर देन द मोस्ट मिस्टर एनर्जेटिक द मोस्ट. आपने पिछले साल कबीर सिंह के साथ आपने सरप्राइज किया लोगों को, और इस साल तानाजी से शुरुआत, और अब ये मतलब अभी से पार्ट टू की बात मेरे ख्याल से जहन में होगी.
इसकी आप किस तरीके से देख जी पार्ट टू तो जरूर होनी चाहिए फिल्म यस ये एक सीरीज के हिसाब से ही बननी चाहिए क्योंकि फिल्म का टाइटल इतना पावरफुल है और फिल्म आपने देखी है थ्रिलिंग एंगल है और उसमें पार्ट टू की प्रॉपर जगह भी है बिल्कुल जगह छोड़ी तो उसी सोच से सोच छोड़िए कि आगे बना दैट इज द क्रिएटिव एडिशन के माय प्रोड्यूसर्स हैव डन टू मी अरे ये तो बहुत अच्छा है ये ऐड कर दो बस पिक्चर सेट हो जाएगी ये वर्ड भी मोहित ने ऐसा क्रिएट किया है मलंग में जो मुझे लगता है कि जो लोगों को बहुत पसंद आएगा एंड आई थिंक अदर देन द स्टोरी दिस वर्ड इन इटसेल्फ इज सच इंटरेस्टिंग कि पीपल वुड वांट टू सी दिस वर्ड अगेन एंड अगेन से थ्रू सीक्वल्स और प्रीक्वल्स और व्हिचएवर और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है अब सिनेमाघरों में लोग जाएंगे देखेंगे क्योंकि मलंग शब्द सच में बहुत ही मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो पॉजिटिव ही लगता है मुझे सो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू